हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ राइस सेल्स। और ये मैंने इस राइस पेपर से बनाया है। हालांकि जो राइस सेल्स है वो दूसरे टाइप के जो राइस पेपर आते हैं उससे बनता है, पर मैं इससे भी ट्राई करना चाहती थी और इससे भी बहुत बढ़िया हमारे राइस सेल्स बने हैं जो आप केक डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है कि आप इसे जल्दी में कैसे बना सकते हैं और अगर आपके पास टाइम है तो आप उस लंबे टाइम के हिसाब से भी आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रियल थाई का राइस पेपर लिया है और ये इस तरीके से जो शेप दिखते हैं उसके अंदर जब हम इसको पानी में डिप करते हैं तो ये एकदम स्मूथ हो जाते हैं और प्लेन हो जाते हैं। आपको इस तरीके से ये शेप्स नहीं दिखेंगे इसके। यहाँ मैं इसमें एसेंस मिलाने वाली हूँ पानी में, आप चाहें तो इसको प्लेन भी रख सकते हैं। और ये नॉर्मल वाटर लिया है, ना ये वार्म वाटर है ना कोल्ड वाटर है, और आप अपनी चॉइस का कोई भी इसमें कलर मिला सकते हैं। मैं लिक्विड ब्लू और लिक्विड ग्रीन और पर्पल कलर मिला रही हूँ। अगर आप इसको पूरी तरीके से मिक्स नहीं करेंगे तो जब आप इस राइस पेपर को इसमें डिप करेंगे तो कहीं पर डार्क और कहीं पर लाइट शेड आएगा, तो आप उस तरीके से भी रख सकते हैं। और राइस पेपर को यहाँ मैं चार पीस में कट करूँगी क्योंकि कई बार ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो पैकिंग के टाइम पे वो टूटने का डर रहता है, तो आप वो भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग छोटा या फिर लंबा बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम एक मिनट के लिए पूरा पूरा इस पानी में डिप करके रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और फिर हम इसको जिस शेप में भी रखें ये उस तरीके से मोल्ड हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने सारे पीसेस पानी में डिप कर दिए हैं और एक मिनट बाद आप देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है। आप इसमें अगर कोई कलर नहीं मिलाएंगे तो ये ट्रांसपेरेंट कलर के दिखेंगे और सूखने के बाद इनका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इसको ड्राई करने के लिए आपको इस पे सिलिकॉन मैट पे रखना ज़रूरी है ताकि ये अच्छे से अपने आप निकल जाए। यहाँ पर मैंने इनको थोड़े से प्लेट्स दे के सेट किया है। आप चाहे तो प्लेन भी रख सकते हैं ट्रायंगल शेप में, या फिर इस तरीके से प्लेट्स देके आप फोल्ड भी दे सकते हैं। और दूसरा एक तरफ मैं जो सिलिकॉन मैट है हमारा उसको भी मैं प्लेट्स में थोड़ा सा फोल्ड करके सेट करूँगी और यहाँ पे मैं इसको पिन से नहीं एक रबर बैंड से करने वाली हूँ ताकि हमारे जो राइस सेल्स हैं वो वेव शेप में आए। अगर ये आपस में चिपक जाते हैं तो आप इसको पानी में फिर से डिप करेंगे तो ये अलग हो जाएंगी। और अब इसको रखेंगे 7 से 8 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए। तो ये देखिए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं इसको, और जब ये सेट हो जाता है इसका पानी सूख जाता है अच्छे से ड्राई हो जाता है तो ये अपने आप ही जिस शेप में होता है ना उस शेप में होके जो सिलिकॉन मैट है हमारा उससे ये अलग हो जाता है। इस तरीके से आपको इसे शेप से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जिस तरीके से इसको रखा होगा वो ऐसे ही ड्राई होके एकदम ऐसे ऊपर उठ जाएगा ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ये सेल्स तैयार है। इसमें मुझे 7 से 8 घंटे इसको लगे हैं सुखाने में। अगर आपके पास इतना टाइम ना हो तो मैं आपको एक मेथड और बताती हूँ। नेक्स्ट भी सेम मेथड है। पानी में यहाँ मैंने मिलाया है ब्लू कलर। आप अगर कोई कलर नहीं मिलाना चाहते, ट्रांसपेरेंट सेल्स बनाना चाहते हैं तो आप कोई कलर मत मिलाइए। ये देखिए ये हमारा ब्लू कलर, इस पर भी मैं डिप करूँगी हमारी ये राइस पेपर। एक मिनट इसको अच्छे से डिप करें। एक मिनट ये 15-20 सेकेंड्स में नहीं अच्छे से सेट होता है, एक मिनट लग जाता है। एक मिनट में ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए एक मिनट हो चुके हैं इनको पानी में डिप किए हुए और ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको भी मैं रखूँगी सिलिकॉन मैट पे। आप इसको जिस शेप में रखेंगे ये वैसा ही हो जाएगा ड्राई होने के बाद, तो शेप आप अपने अकॉर्डिंग देख लें आपको कैसा रखना है।
इस तरीके से इसको मैंने पास पास करके ऐसे रखा है। इसको हम बेक होने के लिए रखेंगे 110 डिग्री पे 30 से 40 मिनट के लिए, और टाइम आप देख ले, उससे अगर आपका उससे पहले अगर सूख जाता है तो आप उससे पहले भी निकाल सकते हैं, और अगर 40 या 45 मिनट 45 मिनट भी लग जाता है तो 5 मिनट बढ़ा दें। आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये भी सिलिकॉन मैट से उठ जाएगा। तो टाइमिंग आप देखते रहे अपने ओवन में कि आपका जो ये राइस सेल है वो ड्राई हो गया है या नहीं। तो इसको मैं 110 डिग्री सेल्सियस पे 40 मिनट के लिए डाल रही हूँ ओवन में। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसने कितना टाइम लिया है। आज मैंने इसे पहली बार ओवन में ड्राई किया है, वरना मैंने नॉर्मली इसको रूम टेम्परेचर पे ही करती थी आप लोगों की वीडियो में दिखाने के लिए। तो मेरे को भी ये पता चला है कि आप इसको 110 डिग्री पे, ये देखिए 20 मिनट में बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, और ना जला है ना कुछ है, बहुत इजीली ये सिलिकॉन मैट से भी निकल गया है। यहाँ मैंने सिलिकॉन मैट को देखिए 4 फोल्ड किया था, क्योंकि ट्रे मेरा छोटे साइज़ का था। आप इसको तुरंत यूज़ कर सकते हैं, आपके पास अगर टाइम ना हो तो आप इसको 20 मिनट में भी बना के रेडी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा, ये देखिए एकदम अच्छा सिक के अच्छा ड्राई हो गया है। अब इसके हम करते हैं नेक्स्ट डेकोरेशन। तो यहाँ पे ये ग्रीन और पर्पल वाले थे हमारे ओवरनाइट ड्राई वाले, और ये हमने तुरंत ओवन में बेक किया है। सब के सब एक जैसे ही है। अच्छा, एक ख़ास बात और है कि इसको जब मैंने उठाया है तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि गर्म है या सॉफ्ट है, उस टाइम थोड़ी देर बाद हार्ड होगा, ये तुरंत ही सूख के हार्ड हो गया है अपना क्रिस्पी वाला, और छूने में ये बिल्कुल भी गर्म नहीं था जब मैंने इसको तुरंत उठाया था। तो यहाँ मैंने सिल्वर डस्ट लिया है और एक बाउल में लिया है गोल्डन डस्ट। इसको मैंने इसमें कुछ भी अभी लिक्विड नहीं मिलाया है, तो आप देख सकते हैं ऐसे भी ये हमारे सेल पे सेट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें कुछ लिक्विड मिलाएं, तो यहाँ पे लिक्विड एवेपरिक्स भी आता है, मैं आपको उसकी फ़ोटो शेयर कर दूँगी। साथ ही आप यहाँ पे वोडका भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने लेमन का सुना है पर मैंने लेमन आज तक कभी यूज़ नहीं किया है। ये आपको इसमें फ़र्क दिखेगा, मैंने इसमें लिक्विड ऐड किया है एवेपरिक्स, तो इससे इसकी शाइनिंग थोड़ी सी और एक्स्ट्रा आ रही है इसके एजेस पे कंपेयर टू सिल्वर डस्ट। अगर आपको सिल्वर कलर का पूरा बनाना है तो आप इसको भी पूरा सिल्वर कर सकते हैं ब्रश से। यहाँ मुझे सिर्फ इसके एजेस चाहिए ऐसे, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से किया है। और नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिया है गोल्डन डस्ट, जिसमें मैंने वेबरिक्स मिक्स किया है। देख सकते हैं पर्पल में गोल्डन शाइनिंग बहुत ही अच्छी दिख रही है। कभी कभी तो मेरा कॉम्बिनेशन भी बहुत बेकार हो जाता है, पर ये पर्पल पे गोल्डन बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो ये देखिए इसी तरीके से आप सारे सेल्स रेडी कर सकते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करें कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है राइस पेपर सेल का, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।